प्यारे विद्यार्थियों, गत वीडियो में हमने आधुनिक भारत में भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारणों का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम कुछ और कारणों का अध्ययन करेंगे। भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में से एक था पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव। जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, तब ब्रिटिश लोगों को भारत में प्रशासकीय कार्यों एवं व्यापारिक हितों के लिए एक लिपिकीय वर्ग की आवश्यकता थी, जो उनके कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। साथ ही ब्रिटिश लोगों को भारतीयों से संपर्क हेतु एवं कर इकट्ठा करने जैसे कार्यों के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो दुभाषीय की भूमिका निभा सके, अर्थात ऐसा वर्ग जो ब्रिटिश भाषा व भारतीय भाषा दोनों का जानकार हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1835 ईस्वी में ट्रेवेलियन, मैकाले व तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया गया। यद्यपि अंग्रेज यह कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में आकर के उनमें राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो, लेकिन यह उनका दुर्भाग्य साबित हुआ कि जो भारतीय वर्ग पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में आया, वह वहां के विचारकों जैसे कि मिल्टन, शेली, वाल्टेयर, रूसो, स्पेंसर, ग्लेडस्टोन आदि विचारकों के विचारों से प्रभावित हुआ, वो भारतीय धीरे धीरे उसमें स्वशासन की, राष्ट्रवाद की, वो आत्मनिर्णय की भावना व स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई। यह जो नवीन वर्ग था, जिसे हम मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, जो पाश्चात्य शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की थी, वो जो विलायत से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे, उन्हें लगने लगा कि भारत में हमारे मौलिक अधिकार शून्य है। वह उन्हें यह भी पता लगा कि 1833 का चार्टर एक्ट हो या 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र हो, जिसमें यह प्रावधान था कि भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं, लेकिन भारतीयों को अपने ये अधिकार प्राप्त नहीं हुए। तब यही नवीन पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त जो वर्ग था, उन्होंने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए कई संगठन खड़े किए। साथ ही पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य भाषा, जिसको कि हम अंग्रेजी भाषा कहते हैं, इसका एक सबसे बड़ा फायदा भारतीय लोगों को यह हुआ कि पूरे भारत के लोगों के लिए एक यह संपर्क भाषा स्थापित हुई। पूर्व में भारत में संस्कृत जो थी वो संपर्क भाषा का काम करती थी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे लोग संस्कृत को भूलते गए, वो क्षेत्रीय भाषाएं विकसित होती गई, चाहे वो तमिल हो, गुजराती हो। लेकिन अंग्रेजी भाषा के विकसित होने से या अंग्रेजी भाषा के जानकार होने से भारतीयों के लिए एक नवीन संपर्क भाषा अंग्रेजी भाषा साबित हुई। साथ ही जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करे हुए लोग थे, जब वे पाश्चात्य इतिहास, साहित्य, दर्शन उससे जब अवगत हुए, तो उन्होंने भारत में जो फैली हुई कुरीतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। इन सभी सामूहिक प्रयासों से वह इस नवीन मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो वर्ग था, उसमें जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, उस कारण से धीरे धीरे कई और भारतीयों में भी यह भावना बलवती करती गई कि अंग्रेजी प्रशासन हमारे लिए बुरा है, वह हमें जल्दी से अंग्रेजों को भारत से निकालना होगा। इस तरह से पाश्चात्य शिक्षा भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद को प्रेरित करने में सहायक साबित हुई।